Audio Jungle. नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव, आपके सामने पेश है देश की प्रमुख खबरें। टिड्डियों के दल ने दिल्ली में किया प्रवेश, दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। लॉकडाउन के चलते पाकिस्तान में फंसे 248 भारतीय वतन लौटे, 81 लोग और लौट कर आएंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी, टॉपर्स को 1 लाख रुपए और लैपटॉप मिलेगा। लद्दाख में बढ़ रही चीन की आक्रामकता पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, क्या दे रही है किसी बड़ी तैयारी के संकेत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के लिए मिथाइल पेडलिसिलोन की जगह डेक्सामेथासोन के प्रयोग की दी अनुमति। देश में एक दिन में सर्वाधिक 18,552 नए मामले सामने आए, संक्रमित का आंकड़ा 5 लाख के पार। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के 13 दिन बाद परिवार ने ऐलान किया कि वे उनके नाम का फाउंडेशन खोलेंगे। लॉकडाउन में 90% बढ़ा साइबर क्राइम, लोगों ने गंवाए लाखों रुपए। ममता बनर्जी का पीएम मोदी से अनुरोध, कोयला खनन में 100% एफडीआई की अनुमति पर करे पुनर्विचार। 1993 मुंबई बम धमाके के मामले में उम्र कैद काट रहे यूसुफ मेमन की जेल में मौत। X24 न्यूज चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।